हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ रेखास किचन। मैं आज आपके सामने बनाएंगे मिठाई या स्वीट डिश या रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपीज। हम बनाएंगे बेसन की रेसिपी, बेसन की बर्फी, बेसन का मिल्क केक और बेसन चक्की भी बोलते हैं। अब हम इंग्रेडिएंट्स की ओर बढ़ते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया है 200 ग्राम बेसन, 3/4 कप मिल्क पाउडर, 100 ग्राम शक्कर, 50 ग्राम लिया है मैंने घी, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स कतरन, दूध, शक्कर से आधी मात्रा में हमें दूध लेना है। गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस करना ना भूले, और रेसिपी पसंद आए उसे लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले। अब हम रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। अब हम एक पैन को गर्म करेंगे, इसमें डालेंगे घी, और इसे हम गरम होने देंगे। फ्लेम हमें लो मीडियम ही रखना है। घी गरम हो गया, इसमें डालेंगे हम बेसन और लो मीडियम फ्लेम पर इसे भूनेंगे। इस तरह से हिलाते रहना है आपको। घी में बेसन मिलाने के बाद बेसन की कंसिस्टेंसी इस तरह से हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और हमें इस तरह हिलाते रहना है, हमें इसे ज्यादा देर तक नहीं भूनना है। इसमें महकी महकी खुशबू आने लग जाएगी, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे और इसी तरह चलाते रहेंगे। हमने लो मीडियम फ्लेम पर कर बेसन को भून लिया है। इसको भूनने में 3 से 4 मिनट लगे हैं और इसे हम ज्यादा देर तक नहीं भूनना है। जब इसमें अच्छे से खुशबू आने लग जाएगी हम अब गैस को बंद कर देंगे। इस बर्फी का स्वाद सोन पापड़ी की तरह, मैसूर पाक की तरह आएगा इसमें से बिल्कुल टेस्ट, और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लगती गाइस। बेसन थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे हम, हमें इसी तरह हिलाते रहना है इसे। बेसन ठंडा हो गया है, इसमें मिलाएंगे हम मिल्क पाउडर और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बेसन में मिल्क पाउडर मिला लिया है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। दूसरी पैन लेंगे, इसमें डालेंगे शक्कर, शक्कर लिए इसके बराबर से आधा कप हमें दूध डालना है, और इसके हम शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। शक्कर और दूध को इस तरह से हिलाते रहना है और हमें एक तार की चाशनी बनाना है। फ्लेम मीडियम रखेंगे, शुगर सिरप तैयार हो गई, आप इस तरह से इसको चेक करके देख सकते हैं। हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम शुगर सिरप में मिलाएंगे बेसन और मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस बर्फी को सेक होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। कुछ देर हमें इसे इसी तरह हिलाते रहना है। मैंने एक चोको ट्रे लिए, इसमें ग्रीस कर दिया इसको। अब इसमें डालेंगे हम मिक्सचर, उसे सेट होने के लिए रख देते हैं। ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगी और इसे इस तरह से फैला देंगे चारों तरफ। अब हम इसके ऊपर डालेंगे इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, और कुछ देर के लिए इसे रख देंगे ताकि इसके अच्छे से पीस निकल जाए। गाइस, बर्फी सेट हो गई है, अब हम इसके पीस बना लेंगे इस तरह से। आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं पीस। इसके मैंने पीसेस बना लिए और आप देखिए कितने अच्छे से पीस बने हैं इसके, और कितनी अच्छी सेट हुई है, और बिल्कुल मार्केट जैसी टेस्ट है इसका। और आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने तो अपने भाई के लिए रक्षाबंधन पे बना ली, आप भी जरूर बनाइएगा और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और इंजॉय कीजिए। बाय बाय।